नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर के बहेरिया पुलिस ने की कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई। सागर के बहेरिया थाना अंतर्गत चनाटोरिया सिद्धगोवा गांव में चल रहे जय माता दी कोचिंग सेंटर एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में आज बहेरिया पुलिस द्वारा सूचना पर कार्रवाई की गई। वहीं स्कूल के संचालक द्वारा 5-6 शिफ्टों में करीबन 400 बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। पुलिस ने जब यह कार्रवाई की तब भी एक शिफ्ट में 50 बच्चे मौजूद थे। जहां पर यह स्कूल संचालित है वहां से 10 कदम की दूरी पर शासकीय मिडिल स्कूल है, लेकिन किसी भी शासकीय शिक्षकों को इसकी जानकारी नहीं लगी। वहीं सूत्रों की माने तो स्कूल के शिक्षक द्वारा 12वीं के करीब 25 एवं 9वीं 10वीं के करीब 30 बच्चों के एडमिशन भी किए गए हैं। सागर एसडीएम संतोष चंदेल द्वारा डीओ से जांच कराकर दोषी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की यह रिपोर्ट। बने रही है द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप इस कोचिंग सेंटर में आए हैं, क्या क्या पाया आपने, क्या मामला है? उनका उल्लंघन है 6/8 का, और कोरोना संबंधी जो महामारी चल रही है उसका उल्लंघन है, उसके बचाव के लिए इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे कितनी संख्या जो है 32 बार छू बच्चे हैं, तो 12वीं कक्षा से इनके द्वारा एक स्कूल भी चलाई जा रही है जो अभी तक फर्जी है, मतलब इनके लिए मान्यता नहीं मिली है, क्या कहेंगे? इसके संबंध में जानकारी नहीं है। आप सप्लीमेंट्री स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका, किस विषय में सप्लीमेंट्री आई आपके लिए? मैं इतिहास। कब है आपका पेपर इतिहास का? अभी फॉर्म डाला था। डेट आ गई उसकी? तो आपने फॉर्म तो पहले हो गए, फॉर्म तो पहले हो गए, जाएंगे आप भी। बेटा आप मास्क भी नहीं लगाया, बहुत गंदी बात है यार। चेहरे को उस तरफ करो आप। क्या नाम है आपका? जी सर, नरेश शर्मा। आपको शासन की गाइडलाइन मालूम है? जी सर मालूम है। लेकिन क्या है गाइडलाइन? कि बच्चों को नहीं पढ़ाना है। नहीं पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है इस समय। आप जिस तरीके से कोचिंग लगाए हैं, ये जो बच्चे आपके सामने खड़े हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में इन बच्चों के जीवन को आप दांव पे लगाए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? सर हम ही कहेंगे सर, कुछ दिनों के लिए सर वो क्या सप्लीमेंट्री आई थी बच्चों के लिए, तो उन्होंने कहा, पेरेंट्स ने कहा कि कुछ दिनों कुछ गाइड कर दो, आप बता दो। शासन के लिए आपने सूचित किया कि हमसे गार्जियन से ये बोल रहे हैं और हम ये जो है कोचिंग सेंटर चला रहे हैं? सर बहरिया थाने गए थे सर, तो मुंसी को हम बताया कि सर दूर सोशल डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं बच्चों के लिए, सप्लीमेंट्री आई है तो पढ़ा दें क्या? तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ पढ़ाते हैं? सर हम कोचिंग प्राइवेट में पढ़ाते हैं। कोचिंग सेंटर अकेला संचालित करते हैं, शासन की गाइडलाइन का लगातार आप उल्लंघन कर रहे हैं, आप थाने से परमिशन मांग रहे हैं, जबकि इस बात की जानकारी आपको है कि शासन इस तरह की किसी भी जमघट के लिए मना किए हुए है, क्या कहेंगे आप? सर नहीं लगाएंगे सर, क्या सर लेकिन क्या पेरेंट्स ने कहा कुछ दिनों के लिए सर बता दो, क्या बच्चे घबरा रहे थे सर कि अपरिया थाने के पास एक जय माता दी करके निजी स्कूल है, वहाँ पे कोचिंग सेंटर संचालित हो रहा है और एक 10x10 के कमरे में 32 बच्चे जो है बैठे हुए पाए गए और 12 बच्चे जो है उस स्कूल के परिसर में पाए गए। क्या शासन के निर्देशानुसार कभी कोई भी स्कूल का संचालन नहीं किया जा सकता? अभी आपने मेरे संज्ञान में लाया है, मैं डीओ जो मिस्टर तिवारी हैं उनको भेजकर अगर स्कूल का संचालन होना पाया जाता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। बच्चों के जीवन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, कोरोना के चलते सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। नरेश जी, आपने जय माता दी स्कूल जो आपकी संचालित है उसकी मान्यता ली है क्या? जी सर, गोमतीवा हायर सेकेंडरी स्कूल, जय हिंद हायर सेकेंडरी स्कूल, दोनों स्कूल से हम अटैच किए थे, लेकिन सर कोरोना काल के चक्कर में ना सर एडमिशन हुए हैं ना सर हमने स्कूल का कार्यकाल आगे बढ़ाया सर। नहीं तो ये अटैचमेंट की प्रावधान क्या है आपको मालूम है, क्या प्रावधान होते हैं इसके? जी सर, क्या है कि लॉकडाउन के उसके कुछ नियम होते हैं, क्या उन नियमों को आप फॉलो कर रहे हैं? जी सर, स्कूल तो हम चालू ही नहीं की सर। लेकिन आपके स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है? सर बोर्ड लगा, सर बोर्ड तो सभी स्कूल में लगा सर, लेकिन सर स्कूल तो ही हमने अभी चालू किया। बोर्ड लगा हुआ है
स्कूल आपके नाम से आप चला रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि स्कूल अभी चालू नहीं हुई, कोरोना काल के कल चलते नहीं हुए, अदरवाइज हो जाती चालू। तो सर उसकी फिर के मार्च में सर उसके अप्रैल में शुरू कर देना सर, तो क्या अप्रैल के बाद लॉकडाउन हो गया ना सर, तो फिर हमने कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया सर। जिस तरीके से आप शासन की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं सर पूछने गए थे सर क्या सप्लीमेंट आई सर बच्चों के लिए, तो सर वो क्या तैयारी नहीं कर पा रहे एग्जाम के पास में आ गया सर, दोनों सोचे सर कुछ दिनों के लिए पढ़ा सर, ऐसे कंटिन्यू नहीं पढ़ा रहा सर। तो मामले के दायरे में आ चुके हैं।